level. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your kind words. It was truly inspirational. With much delight, I would like to welcome the star of the evening, Mr. Randeep Hooda. He's a renowned Indian actor. Mr. Hooda is considered one of India's most attractive celebrities. I thank him for joining us in such a short notice. I would now request Mr. Randeep Hooda to please come on stage and say a few words. भाई साहब नैनवल ले की राम राम डीसी मैडम ने इतनी बड़ी बात कह दी मैंने बैठ के नहीं सोचा था मैं क्या कहूँगा आई फॉलो द फोर पीस बाय द वे मैम एंड आई थिंक पॉजिटिव आउटलुक इज द बिगेस्ट पी ऑफ देम ऑल आई फेल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई फेल्ट वेरी प्राउड छाती सी चौड़ी होगी कि हमारे हरियाणा में इतना बढ़िया स्कूल खुल रहा है भीतर बढ़ता मैंने लगा कि इसे महाराज के पैलेस में आ गए भाई फिर नहीं बैठा रहा भाई बाड़क पढ़िया करें तो कसूता स्कूल खोल रखे भाई अड़े और बच्चे बड़े खुश लग रहे हैं एंथुजियास्टिक लग रहे हैं मैं खुद राय स्कूल सोनीपत का पढ़ाया हुआ हूँ हमारे स्कूल में उसका नाम है स्पोर्ट्स स्कूल राई कोई ऐसा किसी ने इंटरनेशनल एथलीट नहीं बना पर सारे स्पोर्ट्स होने की वजह से काफ़ी एक डू और डाई स्पिरिट उनमें रही है और जब मैंने प्रिंस जी से पूछा था कि आपका स्पोर्ट्स का और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या क्या है तो उन्होंने जो लिस्टिंग बताई तो मेरे ख्याल से ये स्कूल हमारे प्रदेश को हमारे देश को काफ़ी आगे ले जाएगा बाकी गणे पढ़ लिखा है तो डीसी लग जाए पर लोग सोचते हैं एक बाय द वे जैसे आप लोग मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हो कभी हम भी ऐसे बैठ के धर्म जी के बारे में सुना करते और आज उनका जन्मदिन है तो उनको जन्मदिन की बधाई हमारे तो ये क्या करते भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब पर आई थिंक दैट इज चेंज नाउ आई थिंक देर इज अ लॉट मोर पॉसिबिलिटीज डॉक्टर बन जाओ इंजीनियर बन जाओ यही दो चीज़ ना बने तो फिर चाहे चपरासी लाग जाओ किसने के पढ़ी है बट आई थिंक इंडिया इज ओपन आउट आई थिंक देर इज लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ लॉट ऑफ फील्ड्स मैं तो यही कहूँगा कि आप ये पेरेंट्स की तरफ डायरेक्टेड है बच्चे तो बेचारे बहुत छोटे हैं उनसे मैं क्लासरूम में जाके मिला तो कोई मुझे पहचान नहीं पाया क्योंकि मेरी मोस्टली फिल्म्स एडल्ट सर्टिफिकेट वाली होती है उन्होंने तो सुल्तान उल्तान देखी है बस पर मेरा ये मानना है कि आप चाहे अपने बच्चों को जिस चीज़ में उनकी रुचि हो ना और उस रुचि से आपको लगता है या बच्चों को लगता है कि वो एक व्यवसाय उससे कमा सकते हैं एक ज़िंदगी बना सकते हैं तो उनको उनकी उस रुचि को उनकी उस हॉबी को उनकी एक चाव को आप ना मारें ट्रिग्नोमेट्री मेरे कभी काम में नहीं आई भाई लाइफ में ना ही कोई केमिकल फॉर्मूला काम में आया वो स्क्रीन की केमिस्ट्री अलग है पर उसमें केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही आप आगे बढ़ सकते हैं आप स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकते हैं आप किसी भी चीज़ में अगर आपकी रुचि है लोग मुझे काफ़ी पूछते हैं कि भैया अरे बहुत टैलेंटेड आदमी है भाई बहुत टैलेंटेड आदमी है मैं कई बार सोचता हूँ भाई किसकी बात कर रहे हैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरा ये मानना है कि टैलेंट नाम की चीज़ ज़िंदगी में है ही नहीं टैलेंट का एक ही वर्ड होता है एंथुजियाज्म जिस चीज़ की तरफ आप एंथुजियास्टिक होगे जिस चीज़ में आपकी रुचि होगी उस चीज़ में आप टाइम लगाओगे उस चीज़ को आप पढ़ोगे उसकी प्रैक्टिस करोगे और उसमें आप अच्छे हो जाओगे फिर लोग बोलेंगे अरे भाई देख यो टैलेंटेड आदमी आ रहे हैं सो दैट इज़ व्हाट आई फील अ मैसेज टू द पेरेंट्स कि प्लीज़ डू नॉट किल
लाइक मारी नानी क्या करती हम फुटबॉल खेलने चले जाए के फुटबॉल खेले पढ़ लेने रीट लासा वह मर गई बेचारी बुढ़िया पर सिखा के निरी गई है। वो एक और बढ़िया बात बोला करती, बोले इसने देख लेना, बोले देख कितने नंबर ले रहा है या के कर रहा है, बोले इसके के चार हाथ पैर हैं, तेरे जितने ही हैं तो कुछ भी कर सकता है। तो आपके बच्चे दे कैन अचीव एनीथिंग दैट दे वांट टू, प्लीज डू नॉट किल देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट किल द चाइल्ड विद इन, एंड सेकेंडली इफ दे आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, इवन इफ यू आर अ स्टैम्प कलेक्टर, इवन इफ यू आर मेकिंग अ बुके ऑफ फ्लावर्स, इफ यू मेक द बेस्ट बुके ऑफ फ्लावर्स देल ऑलवेज बी टेकर्स फॉर यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेरी सक्सेसफुल। दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी मिस्टर सोलंकी, इट्स अ वंडरफुल स्कूल।